पानी पर ताला सुनकर काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। हनुमानगढ़ के गांव मक्कासर के अंदर सरकारी विद्यालय में अध्यापकों ने पानी पीने की टंकी पर ताला लगा दिया, जिसके चलते लोगों को जो यहाँ बच्चे खेलने आते हैं उनको पानी पीने के लिए काफ़ी दूरी भी जाना पड़ता है। आपको बता दें कि जिस तरह से पानी के लिए पूर्व में आंदोलन हुए थे, सरकार भी पानी के लिए हर घर में पानी पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है, दावे करती है कि सबको पानी मिले, लेकिन जो पानी होने के बावजूद यहाँ ताला लगाया जा रहा है, काफ़ी विडम्बना है। हमारे साथ खुद मौजूद है यहाँ पे जो छात्र खेलने आते हैं स्कूल के अंदर, जो पढ़ने आते हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की माहौल है यहाँ पे। आप बताएं क्या बात हुई यहाँ पे? सर, यहाँ पर पिछले 1.5-2 साल से जो टंकी है पानी की पीने की बच्चों की, उसके सेटर लगा कर उसके ऊपर ताला लगाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे गांव के लिए। जो मेरे बच्चे गांव के अंदर ग्राउंड लगाते हैं, स्कूल, इसी स्कूल के सारे विद्यार्थी हैं जी, और उनको आज इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये सुबह 2 घंटे से 3 घंटे तक ग्राउंड लगाते हैं और शाम को 2 से 3 घंटे तक ग्राउंड लगाते हैं, लेकिन पीने के पानी नहीं होने की वजह से इनको यहाँ से लगभग 0.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लेके आना पड़ता है, जो हमारे गौशाला के अंदर वाटर कूलर लगा हुआ है। हमने यहाँ स्कूल में बहुत बार बात की है इनसे भी, आप ये पानी की टंकी का ताला खोल दो। वो बोलते हैं जी आप जिम्मेवारी लो, वो पानी की टंकी के भी कोई नुकसान होगा तो आपका होगा। कोई नहीं, क्या नुकसान की बात करते हैं वो, क्या डर उनका? बात सर यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, नुकसान की क्या बात करें। वो बोल रहे हैं कोई टूटी खोल के ले गया तो उसकी आप जिम्मेवारी लो। मतलब ऐसी मजाकिया हरकत है इन स्कूल वालों ने हमारे साथ कर रखी है, ऐसा दोगला व्यवहार हमारे साथ करके जैसे हम इस गांव के नहीं है, इस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है। इस भीषण गर्मी में जहां लोग पुण्य कमाने के उद्देश्य से प्याऊ लगाते हैं, छबीले लगाते हैं, और वहां यहां एक हालात मक्कासर के स्कूल के अंदर है कि यहां ताले लगाए जा रहे हैं और बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देखिए, गौ सेवा परमो धर्म है और पानी का जो धर्म होता है सबसे बड़ा धर्म माना गया है, जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ जल को ताले में रखा गया। आप बताएँ क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे बहुत ही विडम्बना है मेरे गांव की कि इतने बुरे हाल हुए पड़े हैं। पानी की टंकी के ताला लगा दिया गया है और जब ताला खोलने की बात आती है तो वो बोलते हैं कि इसकी जिम्मेदारी दीजिए। हमने पूछा भी जिम्मेदारी किस चीज़ की दें, तो वो बोल रहे हैं भी इसका नुकसान हो जाएगा, भी कोई टूंटी खोल के ले जाए तो आप टूंटी उसमें सस्ती लगा दीजिए, आपको ज़्यादा उसमें डर लग रहा है, आप महंगी टूंटी लगाइए ही मत, पानी तो पीना है उसमें से, पानी तो सस्ती में से निकल जाएगा, 10 रुपये वाले लगा दीजिए आप, दिक्कत कहाँ पर, आपको 500 रुपये वाले लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरी बात, अगर टूंटी का नुकसान आपको दिख रहा है भी टूंटी का नुकसान हो जाएगा, उसके ताला लगा दिया। बाकी स्कूल के हालात देखिए आप, कितना बुरा हालात हुआ पड़ा है। ये जो रोड बनाई है, इसके बाहर ये थंबियाँ बनाई है, इसके ऊपर जो ये चेने लगाई हैं, सब टूटी पड़ी है, बिल्कुल नुकसान हुआ पड़ा है। उस नुकसान की जिम्मेवारी कौन ले रहा है, कौन इसको आके संभाल रहा है? 45 दिन की छुट्टियाँ मिली है स्कूल की, ये तो है नहीं भी 45 दिन की छुट्टियाँ आजीवन छुट्टियाँ होगी, 45 दिन बाद तो आपको स्कूल में आना है। आप स्कूल में आके क्या करोगे यहाँ पे? आज आप गांव में जाओगे, आपकी ड्यूटी लगाएगी सरकार भी, गांव में जाओ, आप सरकारी स्कूल में एडमिशन लेके आओ, आप जाके वहाँ पे क्या बोलोगे भाई हमारे स्कूल के ये हालात है, आप यहाँ पे भेजो बच्चे के? कौन भेजेगा बच्चे को सरकारी स्कूल में? राज्य सरकार इतना प्रयास कर रही है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा बढ़ा रही है, और ये स्कूल वाले उसे घटाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे शिक्षा दर को बढ़ाने के उद्देश्य सरकार योजना चला रही है, लेकिन यहाँ के जो अध्यापक है एक ये तर्क दिया है कि टूंटी कोई चोर कर ले जाएगा, जिसके चलते वे यहाँ पानी को ताला लगा दिया है। टूंटी कई बार क्या है, खुली छोड़ जाते हैं बच्चे, और खुली रहने के कारण क्या है कि पानी वेस्टेज जाते हैं। नहीं तो पानी के ताला क्यों लगा दिए बताओ मेरे को? तो ताला लगाते हैं सर। क्यों लगाते हैं? पानी ना पिए कोई? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा नहीं पिए, फिर पियो पानी, पानी पीने के लिए। कैसे पिएंगे ताला है जब? तो ताला तो ये तो परमिशन मैडम से बात करवाई है मैंने सर से। क्या क्या बोले वो? मेरे को पता नहीं क्या बोले। ये देखिए बच्चे, देखिए छोटे छोटे बच्चे जो खेलने आते हैं, आप बताएं क्या बोलते हैं अध्यापक जो पानी पीते हैं आप यहाँ पे? ताला लगा रखा है टंकी, क्यों लगा रखा है, कुछ बताया उन्होंने? वो कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? तो आपको पानी पीने कहाँ जाना पड़ता है? गौशाला में। तो यहाँ बच्चे आते हैं जो खेलने के लिए, 2 घंटे खेलते हैं, और इस भीषण गर्मी में प्यास भी लगती है, तो प्यास बुझाने के लिए 2 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं क्या है हालात, क्या बात है यहाँ पे बताओ। यहाँ पे हम सुबह 5 बजे ग्राउंड आते हैं, हमें पानी की समस्या होती है, हम पानी लेने 2-1.5 किलोमीटर हमें पानी लेने जाते हैं गौशाले में। यहाँ पे पानी के ताला लगा हुआ है, और स्कूल में थमिया लगाई है वो गिरी हुई है, और ना चैनोए भी इसमें से ले जाते हैं लोग, और यहाँ पे ग्राउंड में कोई नहीं है, वो सुविधा नहीं है, और ग्राउंड की जालियाँ ले गई हैं,
तो ये अध्यापक कहते हैं कि पानी के जो टंकी है उसकी टूटियाँ कुछ और के ले जाएगा, लेकिन जो ये हालात बता रहे हैं कि स्कूल के अंदर और भी तो चीज़ें पड़ी है, उन पर क्यों ताले लगाए जा रहे? मात्र पानी पे ताला लगाया, टंकी पे ताला लगा दिया और बच्चों को पानी पीने, देखिए आप हालात देखिए, छोटे छोटे बच्चे ये पसीने के अंदर ये खेलने आए थे और इनको पानी नहीं मिल रहा। ये खाली बोतल है जो ये पानी ले, अभी ये पानी लेने जा रहे थे, 2 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है, ये देखिए ये बोतलें ले लेके ये दूर जाना पड़ता है इनको। और यहाँ के जो प्रशासन है, जो अध्यापक है, वो कहते हैं कि अगर टंकी पे जो टूटी लगी है वो कोई चोर के ले जाएगा, इसलिए उन्होंने ताला लगा दिया है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर ये सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है कि पानी के ऊपर ताला लगा दिया गया है और बच्चों को अपनी प्यास बुझाने के लिए करीब 2 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है। देखना होगा कि इन्होंने आज आंदोलन भी किया है, चेतावनी भी दिया, अगर ये ताले नहीं खुलते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? सर हम स्कूल के ताला लगाएंगे। फिर स्कूल के ताला लगाएंगे? हाँ जी सर। तो आपने इनको अवगत करवा दिया है क्या? क्या बिल्कुल सर, अवगत करवाया हमने, बार बार चेताया भी और आज हमने अवगत भी करवा दिया। आज इस माध्यम से हम यही मैसेज देना चाहते हैं, अगर ये स्कूल को बंद ही करना चाहते हो तो आप अभी से ताला लगा लो, ऐसे धीरे धीरे साजिशें करके क्यों बंद कर रहे हो, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? पानी हमारे सामने ओवरफ्लो होकर टंकी से गिरता रहता है, हम पानी नहीं पी सकते तो फिर फायदा क्या है इस चीज़ का? बहुत बड़ी विडंबना है ये, पानी इन्होंने बताया कि ओवरफ्लो होता रहता है और ये पानी को तरसते रहते हैं, टूंटी जो है उसके ताला लगा दिया, टंकी के ताला लगा दिया है। और इन्होंने अब चेतावनी दे दी है कि अगर इस टंकी के ताला नहीं खोला जाता है तो ये कह रहे हैं कि स्कूल को भी ताला लगा दो, क्योंकि धीरे धीरे साजिश करने से तो अच्छा है एक बार में ही यहाँ ताला लगा दिया जाए। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योजनाएँ चला रही है, लेकिन स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के हालात रहेंगे तो यहाँ कौन पढ़ने आएगा? देखना होगा कि इनके आंदोलन के बाद, इनकी चेतावनी के बाद यहाँ का प्रशासन, जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।